आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में स्वयं सहायता समूह के बारे में, BCC की स्वयं सहायता समूह के बारे में जानकारियां देने वाले हैं। तो आज हम आपको बताएंगे यहां पर समूह से रिलेटेड कुछ जानकारियां जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप BCC की हों, चाहे आप समूह के रिलेटेड जानकारियाँ चाहती हैं, तो BCC सखी हैं तो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि BCC सखी के लिए भी समूह होना ज़रूरी है, समूह से जुड़ना ज़रूरी है। तो समूह की जानकारियां भी आपको लेना ज़रूरी है। तो समूह की जानकारियां आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं कि समूह के क्या काम होते हैं। समूह के ऐसे 10 से 12 काम हम आज का आपको बताएंगे इस वीडियो में। उनको ऐसे काम मिलेंगे 10 से 12 काम समूह के महिलाओं को, ठीक है। और सदस्यों के को कौन कौन से काम मिलेंगे, क्या काम करने हैं, तो सारा कुछ हम आपको बताएंगे। उत्तरदायित्व क्या होता है उनका, सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो पर शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करना ताकि सभी को इस बारे में जानकारियाँ मिल सके। तो वीडियो पर बने रहिएगा, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में लाइव दिखाएंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा, चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, सदस्यों का कार्य एवं उत्तरदायित्व, ठीक है। अभी हम आपको सदस्यों का कार्य एवं उत्तरदायित्व बताएंगे, उसके बाद समूह के कार्य एवं उत्तरदायित्व बताएंगे। तो चलिए सदस्यों का पहले देख लेते हैं। सभी सदस्य समूह में एकता और सहयोग की भावना रखेंगे, ठीक है। और नंबर 2 है, सभी सदस्य एक दूसरे को समान अवसर देंगे एवं प्रोत्साहित करेंगे किसी भी कार्य के लिए समूह में, ठीक है। और सभी सदस्य आवश्यक संसाधनों का न्यायपूर्ण एवं उचित तरीके से मोबिलाइज उपयोग एवं प्रबंधक करेंगे। और सभी सदस्यों का उत्तरदायित्व होगा कि जानबूझकर ऋण नहीं चुकाने वाले सदस्यों से ऋण वसूल करने हेतु सामूहिक कार्रवाई करेंगे। इसका अर्थ यहाँ पर ये है कि जैसे कि कोई भी महिला भी, मतलब कि आपके समूह में से कोई महिला या फिर कोई अदर आपके गांव का आपसे, आपके समूह से ऋण लेता है, ठीक है, आपके द्वारा ऋण लेता है और उसके बाद उसको चुकाता नहीं है, आनाकानी करता है, तो इस तरह का अगर कोई काम है तो वह सब आपके समूह में ऋण वसूल करने के लिए सामूहिक कार्रवाई की जाएगी, ठीक है, आपके समूह के द्वारा, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं, सभी सदस्य विकास संबंधी कार्यों के लिए उत्तरदायित्व होंगे और सेवा की भावना के साथ नेतृत्व की जिम्मेदारी भी लेंगे, ठीक है। और सभी सदस्य योजना क्रियान्वयन, अनुश्रवण और विकास संबंधी कार्यों के मूल्यांकन में भाग लेंगे, मूल्यांकन संबंधी तथ्यों पर उचित कार्रवाई करेंगे, ठीक है। सभी सदस्य गांव एवं समूह की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि आपके समूह के जितने सदस्य होंगे वह एकता बनाकर रखेंगे अपने समूह में ताकि समूह टूटने ना पाए। यदि समूह बिखर गया तो आपका यहाँ पर कोई भी आपको मतलब फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके लिए समूह को बिखरने ना दें, समूह की एकता को बराबर बनाए रखें और गांव की भी, ठीक है। सभी सदस्य समूह की बैठक में अनुशासन बनाए रखेंगे, मतलब कि सभी, मतलब समूह के जितने सदस्य हैं वो अनुशासन में रहेंगे। ये नहीं है कि मतलब कोई भी दिक्कत ना होने पाए, अपना अनुशासन और एकता के साथ रहिए सभी लोग, यही उसमें उनका कार्य है। सभी सदस्य समूह द्वारा बनाए गए नियमों का अक्षरशः पालन करेंगे, मतलब अच्छी तरह से पालन करेंगे, ठीक है। और सदस्यों को ही पदाधिकारियों का चयन करने का अधिकार होगा, ठीक है। यानी कि समूह के आपके जितने भी सदस्य हैं वह अपने पदाधिकारी को खुद चुनेंगे, वह उनका एक अधिकार है एक प्रकार का, समझ लीजिए, ठीक है। बाकी चलिए अब हमने आपको यहाँ पर सदस्यों के कार्य एवं उसके उत्तरदायित्व तो दिखा दिए हैं, बता दिए हैं और समझा भी दिए हैं। और उसके बाद चलिए अब हम समूह के कार्य एवं उत्तरदायित्व को देख लेते हैं। तो वीडियो पर बिल्कुल बने रहिएगा ताकि आपको समझ में आ पाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं समूह के काम, कौन कौन से समूह के कार्य हैं और समूह द्वारा किए जाएंगे, ठीक है। समूह द्वारा यही सब काम किए जाएंगे जो हम आपको आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो नंबर 1 है, गरीब महिलाओं को संगठित करना, ठीक है, मतलब कि ज़्यादातर गरीब महिलाएं ही होंगी आपके समूह में। सेकेंड नंबर है, आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूक करना, सदस्यों में स्वयं सहायता समूह एवं आत्मविश्वास की भावना को जागरूक करना, सदस्यों में नेतृत्व की क्षमता विकसित करना, सामाजिक समस्याओं को समाधान करने में सहायता करना, सदस्यों को आवश्यक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना, स्थानीय संसाधनों को चिन्हित करना, सदस्यों में बचत की आदत को विकसित करना। यानी कि आपको अपने समूह के जितने भी सदस्य हैं उनको मतलब बचत के लिए उनको प्रेरित करना है, उनको बताना है कि हाँ आप
इस तरह के जब उनको बचत के बारे में बताएंगे तो धीरे धीरे अगर आप लोग बचत करने लगेंगे तो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, तो आप बचत करना सीख जाएंगे और बचत करने लगेंगे। तो इसके बाद यहाँ पर देखेंगे सदस्यों को सूक्ष्म वित्तीय ऋण की सहायता प्रदान करना और सरकारी कार्यक्रमों के बारे में समझ विकसित करना। जैसे कि आप लोगों को पता है कि समूह की जो महिलाएं होती हैं, समूह की जो सदस्य होते हैं वो ज़्यादातर मतलब कि गरीब वर्ग की होती हैं, तो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं होती हैं महिलाएं, तो उनको ज़्यादा इतना ज्ञान नहीं होता है। तो उन महिलाओं को सरकारी जितने भी कार्यक्रम होंगे या फिर जो भी योजनाएँ वगैरह आएंगी उनके बारे में बताएंगे आप लोग उनको, और उनको समझ मतलब कि उनके समझ को विकसित करना है, ठीक है। बाकी आप नंबर 11 देख लीजिए, समूह के सदस्यों को स्वास्थ्य, पोषण, बालिका शिक्षा इत्यादि मुद्दों पर जागृत करना, ठीक है। तो इसका अर्थ ये है यहाँ पर समूह के सदस्यों को स्वास्थ्य के प्रति, पोषण के प्रति और बालिका शिक्षा, यानी कि बालिकाएँ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करें और आगे बढ़ें, तो इन्हीं सब पर उनसे चर्चा करना। बालिका की शिक्षा पर मेन यहाँ पर टॉपिक होगा, और उसके बाद यही सब जो भी मुद्दे होंगे, जो भी सरकारी होगी, जो भी आपके समूह के सदस्य एक साथ मिल करके उस पर चर्चा करेंगे और इसका समाधान भी आप स्वयं ही करेंगे, ठीक है। तो ये सब थे आपके समूह के कार्य और सदस्यों के कार्य, ठीक है, और जो भी उत्तरदायित्व था सारा कुछ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। इसके बाद एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, समूह के जितने भी सदस्य होंगे उनकी सदस्यता क्या होनी चाहिए ये भी हम आपको बता दें, ठीक है। तो वैसे तो मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है, वैसे आप लोगों को भी पता है लगभग, लेकिन फिर से बता देना है कि समूह में 10 से 20 सदस्य होने चाहिए। और इसके बाद एक घर से एक ही महिला सदस्य बन सकती है समूह की, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक घर में दो या तीन महिलाओं को आपने ले लिया, समूह से जोड़ लिया आपने, तो ये नहीं माना जाएगा, मान्य नहीं होगा। और इसीलिए जो है आप लोग जो भी समूह अगर बनाएं या फिर बनाई हुई हैं उस पर देखें, ध्यान दें कि एक घर से दो महिला तो नहीं बन गई है समूह की सदस्य, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये रूल्स के खिलाफ है। जबकि यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि एक घर से एक मतलब महिला बन सकती है समूह की सदस्य। बाकी समूह के जितने भी कार्य थे मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर समूह में जो आप लोगों को सरकारी जो ड्राई राशन वगैरह होता है वो भी वितरित करने के लिए मिलेगा। तो यही सब कुल मिलाकर के काम है। बाकी और जो भी सरकारी काम आएंगे, जो भी जानकारियाँ होंगी वो सरकार द्वारा बताई जाएंगी, आप लोगों तक पहुँचाई जाएंगी, बाकी आप लोगों को पता ही है। तो आप लोगों को जानकारियाँ समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, उस पर भी हम वीडियो बना देंगे। और समूह से रिलेटेड इसी तरह की जानकारी हम आपको देते रहेंगे आगे भी। बाकी पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।